दोस्तों गूगल ड्राइव है क्या और गूगल ड्राइव का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, गूगल ड्राइव में आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या आप इसमें नहीं कर सकते, क्या चीज है, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी को बता दें, जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को ग्लोबल शेयर को लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल पर पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स और टेक्नोलॉजी की वीडियो और इससे भी जुड़ी बेहतरीन वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर गूगल ड्राइव के बारे में। दरअसल कुछ लोगों के हमारे पास ईमेल्स आ रहे थे, लोग हमसे पूछ रहे थे कि गूगल ड्राइव है क्या, गूगल ड्राइव के बारे में आप कोई वीडियो बनाकर हमें बताइए कि गूगल ड्राइव होता क्या है। तो आज मैं इसी वीडियो में आप सभी को यही बताने वाला हूं कि गूगल ड्राइव होता क्या है और आप इसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले गूगल ड्राइव को इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि आपकी गूगल पर यानी कि ईमेल पर आईडी तो होगी ही। ईमेल पर आईडी होने से मतलब आपका ये नहीं होता कि आपकी सिर्फ याहू पर आईडी है या माइक्रोसॉफ्ट की आईडी है, जैसे बोल देते हैं माइक्रोसॉफ्ट की हॉटमेल सर्विस है, आउटलुक है। जीमेल की आईडी आपकी कंपलसरी है। अगर आप गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको जीमेल पर अपना एक ईमेल अकाउंट बनाना होगा। अगर आपका जीमेल पर अकाउंट बन जाता है यानी कि आप अपनी ईमेल आईडी क्रिएट कर लेते हैं, तो वो जीमेल आईडी आपको क्रिएट करने के बाद जब आपका ईमेल तैयार हो जाता है तो वहीं पर एक ऑप्शन भी मिलता है कि आप गूगल की जो अन्य सर्विसेज हैं उनका भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं गूगल की सर्विसेज कौन कौन सी हैं। दोस्तों जीमेल के साथ साथ ही आपको उसमें पावर पैक्ड जो सर्विसेज होती हैं गूगल की वो सभी मिलती हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव है, गूगल प्ले सर्विसेज है, गूगल की यूट्यूब है और गूगल की बहुत सारी चीजें हैं जो अनगिनत हैं। और गूगल के ये सब प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग तरीके से फीचर प्रोडक्ट हैं जो गूगल ने अलग अलग लॉन्च किए हैं, जैसे यूट्यूब है वीडियो के लिए, ब्लॉग है ब्लॉगिंग करने के लिए और गूगल ड्राइव है आपका डाटा सेव करने के लिए। अब हम बात करेंगे गूगल ड्राइव में आप किस प्रकार से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों गूगल ड्राइव को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आपके पास एक एंड्रॉइड मोबाइल हो। सिर्फ इसी से काम नहीं चलता है कि आपके पास एक ईमेल आईडी हो। अगर आपके पास एक मोबाइल नहीं है, एंड्रॉइड स्मार्टफोन जिसे बोलते हैं, जो कि आजकल बाजार में 4-5 हजार रुपए में आसानी से मिल जाता है, 4-5 हजार रुपए से लेकर जितने तक का भी आप अफोर्ड कर सकते हैं वो आप खरीद सकते हैं, या जो भी आपको पसंद हो आप वो मोबाइल ले सकते हैं अपनी सहूलियत या अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, आप गूगल ड्राइव का इस्तेमाल सेफ नहीं समझते हैं मोबाइल पर, तो ये एक गलत धारणा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गूगल ड्राइव को मोबाइल में इस्तेमाल करना गलत है। जी नहीं, बिल्कुल गलत, ये बात बिल्कुल गलत है कि गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करना गलत है, क्योंकि गूगल ड्राइव आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि गूगल ड्राइव गूगल का एक सर्विस है जो कि आपको दी जाती है और जिसमें आप डाटा का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं गूगल ड्राइव में किस किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आप अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स, कोई भी ऑडियो म्यूजिक या A to Z जो भी चीज आपके पास, फोटो हो, इमेज हो, कॉपी हो, कुछ भी हो, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड आप जो भी चीज अपलोड करना चाहते हैं, जो भी चीज आप अपने कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं, वही सब चीजें आप अपने गूगल ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं। अब गूगल ड्राइव में आप सेव कैसे कर सकते हैं। गूगल ड्राइव में सेव करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर से गूगल ड्राइव को इंस्टॉल करना होता है। गूगल ड्राइव को इंस्टॉल करने के बाद वहां पर आपको लॉगिन करना होता है अपने जीमेल अकाउंट के जरिए। अगर आप जीमेल अकाउंट पहले से बना हुआ है यानी आपके मोबाइल में पहले से आपका जीमेल अकाउंट ऐड है, तो आपको उसे करने की जरूरत नहीं है, वो वहीं से लॉगिन ले लेगा और आपको उसकी अलो करना है, सिर्फ वो आपको लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपके पास कोई भी मान लिया डॉक्यूमेंट्स की फाइल है, कोई भी आपके पास इमेज है, फोटो है या किसी भी प्रकार की अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट्स फाइल है, एक्सेल फाइल है, वर्ड पैड की फाइल है, नोट पैड की फाइल है, A to Z जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आप अपने मोबाइल में और कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, वही सब काम आप अपनी गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं। दोस्तों जैसे मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट्स है, आपने कोई फाइल है एक्सेल की या PDF की, जो भी A to Z, वो आपने अपने कंप्यूटर में सेव कर दी और आप चले गए घर से बाहर यानी किसी दूसरे शहर में 1500 किलोमीटर दूर। अब आप वहां से ये इस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अपने कंप्यूटर में जो आप फाइल छोड़कर चले गए हैं हजारों किलोमीटर दूर, अब उस फाइल को आपके लिए पाना मुश्किल है, या तो फिर आपको वहीं उसी लोकेशन पर जाना होगा या किसी से उसे ईमेल के जरिए मंगाना होगा। लेकिन अगर वो फाइल छोटी है तो आप उसे मंगा सकते हैं, लेकिन अगर वो फाइल है बड़ी यानी कोई वीडियो है, जैसे
100, 200, 500 MB की वीडियो होती है, वो फाइल बड़ी है, तो आप उसे जीमेल के जरिए, ईमेल के जरिए नहीं मंगा सकते, क्योंकि ये बहुत हैवी डाटा यूजेस हो जाता है। तो इसके लिए आपको वापस ही आना होता है और आपका इसमें खर्चा हो जाता है डबल। इसीलिए आपको गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करना चाहिए और मैं स्ट्रांगली आपको रेकमेंड करूंगा कि आप गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसे ही मान लो कोई ऑडियो फाइल है या म्यूजिक फाइल है या जीमेल पर कुछ भी आप जैसे आपके ईमेल आते हैं, डॉक्यूमेंट सब फाइल आते हैं, वो सब आप अपने गूगल ड्राइव में सेव करके रख सकते हैं। और निश्चिंत रहिए, आपको इसमें से कोई भी डाटा कोई भी किसी प्रकार से देख नहीं सकता है सिवाय आपके, जब तक आप उसे अलाउ ना कर दें। क्योंकि गूगल ड्राइव में एक तरीके से ऐसा होता है जैसे कि आपका ऑनलाइन कंप्यूटर या ऑनलाइन मोबाइल है जहां पर आपने अपना डाटा सेव किया हुआ है और उसे सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हैं। उसे एक्सेस करने के बाद अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लिया आप कहीं किसी शहर में दूर चले गए, आपने अपना गूगल ड्राइव पर डाटा अपलोड कर रखा है, तो आप अपने बाहर किसी कंप्यूटर से भी उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कुछ भी A to Z कुछ भी चीज हो सकती है, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स फाइल हो सकती है, आप उसे वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ये काम आप अपने कंप्यूटर में नहीं कर सकते हैं, ये काम आप सिर्फ गूगल ड्राइव के जरिए ही कर सकते हैं। अब बात करते हैं गूगल ड्राइव के फायदे क्या हैं। दोस्तों गूगल ड्राइव का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप कहीं से भी अपनी ईमेल आईडी के जरिए लॉगिन करके बाहर से साइबर कैफे से किसी के मोबाइल से या किसी के कंप्यूटर का यूज करके एज ए गेस्ट आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि गूगल ड्राइव की सर्विसेज का चार्जेस क्या है। गूगल ड्राइव की जो सर्विसेज है उसमें आपको 15 GB डाटा सेविंग के लिए अपलोड करने के लिए फाइल वो मिलता है, 15 GB फ्री डाटा एक ईमेल आईडी पर। यानी कि अगर आपकी एक ईमेल आईडी है तो उस पर आपको 15 GB गूगल ड्राइव का डाटा फ्री मिलेगा जो कि आप फाइल सेव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आपका 15 GB पूरा हो जाता है तो उसके बाद फिर आपको पेड प्लान लेना होता है जिसमें कि 100 GB, 200 GB, 1 TB, 2 TB, 3 TB के हिसाब से प्लान है, जो कि मंथली ज्यादा महंगे भी नहीं है, काफी सस्ते प्लान हैं गूगल ड्राइव के और अन्य कंपनियों के मुकाबले। इसलिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन सर्विसेज है। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप गूगल ड्राइव का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं 99% अपनी जो फाइल्स होती हैं उन्हें गूगल ड्राइव में ही सेव कर सकता हूं, यानी सेव करता हूं सॉरी, और गूगल ड्राइव मेरे लिए चलाना भी आसान है। और ये इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है क्योंकि कई यूजर और कई सब्सक्राइबर ने हमें बार बार ईमेल कर रहे थे और वो हमसे पूछ रहे थे कि आप हमें एक ईमेल किया था उन्होंने कि आप सर हमें बताइए कि गूगल ड्राइव का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, गूगल ड्राइव हमारे लिए सेफ है या अनसेफ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गूगल ड्राइव बिल्कुल भी अनसेफ नहीं है, गूगल ड्राइव पूरी तरह से सेफ है। गूगल ड्राइव गूगल का प्रोडक्ट है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए और आपको इतनी समझदारी भी होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको निश्चिंत कर दूं अगर आपको नहीं भी पता कि गूगल एक बहुत ही नंबर 1 कंपनी है, मल्टीनेशनल अमेरिकन कंपनी है, जिसे कोई भी जिसकी सिक्योरिटी को आज तक तोड़ नहीं पाया है और इसे तोड़ना आसान भी नहीं है। एक तरीके से आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि गूगल की सिक्योरिटी को तोड़ना नामुमकिन है, क्योंकि गूगल की जो सिक्योरिटी है अन्य कंपनियों के मुकाबले में वो काफ़ी अपडेटेड रहते हैं और अपने कस्टमर यानी अपने जो उनके फॉलोअर्स हैं गूगल को जो फॉलो करते हैं, गूगल के जो चाहने वाले हैं जो गूगल की सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी कंपनी जो गूगल है वो अपने कस्टमर्स को और अपने चाहने वालों को कभी निराश नहीं करती है और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं गूगल से वो गूगल उन पर खरा उतरती है। और इसीलिए गूगल के ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में आज हमने आपसे इस वीडियो में चर्चा की है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि गूगल ड्राइव क्या है और इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। नुकसान तो इसका खैर कुछ है ही नहीं, ये फायदा ही फायदा है, इसमें 100% आप ही का फायदा है क्योंकि आप अपना इसमें डाटा सेव करके रख सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री में, और मैं भी इसका इस्तेमाल करता हूँ। इसमें 15 GB डाटा मिलता है, अभी भी मैंने काफ़ी सारी हजारों फाइल्स और म्यूजिक वीडियो ऑडियो काफ़ी सेव की हुई है और मेरा अभी भी तकरीबन मुश्किल से 2 या 3 GB डाटा ही इस्तेमाल हुआ है, अभी भी मेरा इसमें 10-11 GB डाटा बचा हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपका ये प्रिय चैनल है और हम इस चैनल पर आपके लिए डेली एक नई वीडियो लेकर आते हैं जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई वीडियो होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और हमारे चैनल से जुड़ें। धन्यवाद दोस्तों।